Hello dear students of class 6th, I welcome you all for the new part of your same chapter which was going on getting to know plants. आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में और सीखते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में. So, आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे शूट सिस्टम के अंदर एक और टॉपिक है द फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर और सारे पार्ट्स क्या क्या होते हैं फ्लावर के. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला, यू मे हैव सीन मेनी प्लांट्स विद फ्लावर्स. सम प्लांट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर फ्लावर्स. डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट कलर्स एंड स्मेल. हाउएवर सम फ्लावर्स डू नॉट हैव एनी स्मेल. फ्लावर्स आर ऑफ मेनी शेप्स साइजेस एंड कलर. हम लोगों ने सब देखे हैं फ्लावर्स में, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स से ही रिकॉग्नाइज होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पार्ट्स. पहले इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं. फ्लावर यूजुअली डेवलप्स ऑन द ब्रांच फ्रॉम द बड. अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसेल अटैचेस द फ्लावर टू द ब्रांच. द अपर स्वॉलन एंड ऑफ द पेडिसेल इज कॉल्ड एज थैलेमस. थैलेमस, तो उसे को थैलेमस कहते हैं जहां से ये जो फ्लावर है वो पॉपअप होता है. आगे बढ़ते हैं. पार्ट्स ऑफ फ्लावर, क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लावर के. आपके सामने जो डायग्राम है उसमें भी दे रखे हैं आपको पार्ट्स, तो उसको स्टडी करिएगा. और हमने डायग्राम भी बनवाया था आपसे फ्लावर का, जिसने नहीं बनाया तो प्लीज मेक इट. इट इज ऑन योर पेज नंबर 89. सो parts of flower, that a typical flower has four main parts: sepal, petal, stamen and pistil. The thalamus bears these parts. Thalamus matlab jo main head hota hai aapka, jo stick jahan se stem hoti hai, jo stem hoti hai jahan se nikalta hai use thalamus kehte hai, ye wala area. If you are not able to see, I'll highlight this एरिया. तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया थैलेमस के अंदर का अंतर होता है. सो आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेपल. सेपल के बारे में बात करते हैं कि सेपल क्या होती है. अ सेपल इज द आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर. It is usually green in color. It protects the young flower bud. Sepal are collectively known as callus. तो sepal जो होता है, उस sepal जो होती है उसका काम क्या होता है, flower को जो premature flower है उसको protect करके रखना, bud को protect करके रखना. जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये है sepal और ये जो होती है ये green opening. ये बाद में जब open हो जाती है तो flower इसमें से निकल आता है. आगे बात करते हैं पेटल के बारे में. पेटल इज द सेकेंड रोल ऑफ द फ्लावर. द पेटल प्रोटेक्ट्स द इनर रोल. पेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोरोला. दे आर यूजुअली ब्राइटेंड कलर्ड एंड ऑफन सेंटेड. तो ये जो होती है वो पेटल होती है. ये पेटल आपके सामने, ठीक है. दिस इज द पेटल ऑफ द फ्लावर. हम लोगों ने सबने देखी होगी पेटल्स. अब बात करते हैं हम लोग स्टेमन के बारे में कि स्टेमन क्या होती. स्टेमन इज द थर्ड रोल फ्रॉम आउटसाइड. इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ईच स्टेमन हैज टू मेन पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट इज द लॉन्गर ट्यूब स्टॉक दैट बियर्स एंड होल्ड द पोलन स्कार्स. ये जो होती है, ये जो स्टिक होती है, ये वाली जो आ रही है आपकी, इसको आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्टेमन का पार्ट है ये. और इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें होती है एंथर और इसमें होते हैं फिलामेंट, जो कि पॉलन ग्रेन्स होल्ड करते हैं. ये वाला जो पार्ट है, ये जो सारा पार्ट आ रहा है फिलामेंट. फिलामेंट मतलब आपकी छोटी छोटी जो ओपनिंग्स हैं और यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिस्टल के बारे में. पिस्टल क्या होती है. Pistil is the innermost role of the flower. It is also the female part of the flower. It is made up of carpels. Each carpel is composed of stigma, style and ovary. तो stigma, style and ovary किसके अंदर आती है. Pistil के.
तो ये आपका जो है ओवरी पार्ट है, ये आपका स्टाइल है, और ये आपका स्टिग्मा है, जहां पे जो पॉलन ग्रेन होती है वो चली जाती है, और जब पॉलन ग्रेन चली जाती है तो फ्यूजन होता है, पॉलिनेशन होता है। हम आपको आगे वाले टॉपिक में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओवरी इज द बेसल स्वॉलन पार्ट, इट कंटेन्स टाइनी बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स। स्टिग्मा, इट इज द स्टिकी टिप ऑफ द ओवरी व्हिच रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स एज आई टोल्ड यू। आगे बात करते हैं। Style is the long tube that connects ovary to the stigma. So this was all about the part. I hope you like it. तो अच्छे से पढ़िएगा इसको दोबारा।